हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और देखो सिम्बा पागल हो गया है। हाँ, इसका खाने का टाइम हो रहा है। इससे पहले मैं खाना दे देता हूँ सिम्बा को। और खाने का टाइम बज रहे हैं कुछ एक। और हाँ, अभी बस भूरी जो है जाने वाली, वैन वाली भी आते होंगे। मैंने यहाँ पे खाना दे दिया है एंड अभी बज रहे हैं कुछ एक, तो भूरी को पिकअप करने वाली वैन आने वाली है, आ जाएगी मेरे घर से। एक दो बजे तक बोल रहे थे, सुबह सुबह ही मैंने फ़ोन कर दिया था, तो एक दो बजे तक आ जाएगी। और भूरी को देखना पड़ेगा। भूरी को मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर पे ही, मतलब यहाँ पे कर लूँ अंदर खाना वाना देके। छुन छुन गया था ना, तो छुन छुन के टाइम पे, छुन छुन में मैंने भेजा सुन देखा हॉस्पिटल, रोल बीमार था उस टाइम पे भी ना, ये सूंघ रही थी मैंने, इन्हें पता लग जाता है। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला कि आपने इसे अपने पास की रख लेना, ताकि ये इधर उधर भागे ना, दिक्कत ना। तो बस अभी मैं भूरी को ना अपने साथ ही लाऊंगा ऊपर। सिम्बा ने देखो कितनी जल्दी खाना खाया, कितनी जल्दी। और हाँ, अभी सिम्बा को हमें फिर शाम के टाइम, अभी भूरी जाएगी, फिर शाम के टाइम हम सिम्बा को भी डॉक्टर के लेके जाना, 4 बजे करीब निकल जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर ने बुलाया भी ना हफ्ते बाद। अब हम दौड़ी करते ना, उससे वो हल्का सा फूल जाता, तो मैं चाहता नहीं कि वो और फूले, तुरंत इंजेक्शन हो जाएगा, वहीं के वहीं दब जाएगा। सिम्बा बच्ची ने खाना खा लिया, अच्छी बच्ची ने खाना खा लिया। हाँ, खा लिया, खा लिया। गुड बॉय। ये करता है ना, ये भागम दौड़ी बिल्कुल नहीं करनी, डॉक्टर ने मना करे उतनी करे जा रहा था। आराम से तरना, आराम से तरना, बिल्कुल प्यार से। अभी सिम्बा को लेके नीचे, अपना बूढ़ी को भी देखने वाली, बूढ़ी का बात करना ऊपर ही ले लेता हूं। और छिपकली, छिपकली हमेशा बिया के साथ रहती है। छिपकली बहुत अच्छी बच्ची है, छिपकली हमेशा यही आपको घर के बाहर बहुत ही कम मिलेगी, हमेशा यही घूमती रहती है, पारूजी बच्ची। सिम्बा, सिम्बा से सारे चिपकते हैं। अभी तो सिम्बा का मिलन चल रहा है, वहां से मैंने भूरी को बुला लिया। भूरी, भूरी ये रिश्वत लेकर आया हेड मास्टर बुला रहा हूं। भूरी को बुला, सब आ रहे, पूरा खानदान आ रहा है इनका। भूरी को मिनी बैठ गया, तो चीज खाऊं तो भाई। भूरी को लालच में ले तो आया हूँ मैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे पता लगेगा कि ये मुझे भेज रहे हैं, लेकिन इसकी अच्छाई के लिए जाती है। ठीक ओके, फिर आप वापस घर में आओगे, चिंता मत करना। हमने भूरी आंटी को हमने कर लिया, भूरी आंटी को चालू खा लिया अपने। जरा इसके ड्रामे बाजी अच्छा, बहुत जल्दी तेरी एज ना जल्दी जल्दी वो हो रही है। दो तीन दिन कैसे रुकेगी? दो तीन दिन नहीं, चार पांच दिन। जब तक इसके स्टिचेस वगैरह ठीक नहीं हो जाएंगे, तब तक ये रुकेगी वहाँ पे। एंड देख, अब पहले लोग बोलते थे कि स्टेरिलाइजेशन करा दो, ठीक है। अब हमने वो बोल दी, तो अब लोग बोल रहे हैं कि वहाँ कैसे रहेगी, ये क्या होगा, अभी रुक जाओ, बच्चे छोटे हैं। तो मतलब हम करें क्या, ये बता दो, करें क्या हम बताओ। बच्चों को वैसे नहीं देखती, बच्चों को हम ही संभाल, पर थोड़ा बहुत आई खेल खा लेगी उनके साथ। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत जैसे बार बार घूमते ना, तो ध्यान रख लेती है उनका, तो उसके लिए अच्छा। भाई देखो, उसके लिए बच्चा, हमारे लिए बच्चा, हम कितना संभालेंगे। तो अब आप देखो, ये मत बोलो कि उससे बाद में भेज रहे, एक बोल रहे हैं कि बच्चे थोड़े बड़े हो जान दो वो भेजना। भाई ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है भूरी का। फिर मेरी बात हुई है जो पिकअप करने के लिए आ रहे थे भूरी को, वो कह रहे हैं वो कल आएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल उनकी बात हुई होगी, तो उन्होंने बोला भूरी को कल लेकर आना। और भूरी का शेड्यूल जो है कल का हो गया, हम भूरी को बैठे हो देर से मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी है, जल्दी है, क्योंकि 4 बजे हमें सिम्बा को भी लेके जाना है, तो कल सुबह जल्दी आएंगे 10-11 बजे। तो फिर ये होगा कि आज मैं सिम्बा को ले जाऊंगा। सिम्बा को लग रहा है कि अभी जाना है, अभी नहीं जाना है भी। और इसको मैंने रोका हुआ था कि रुक जा, रुक जा। मुझे क्या पता था ऐसा कुछ होने वाला है। बाबू अभी नहीं, 4 बजे, 4 बजे भी, हम 4 बजे। गंदी बात, थप्पड़ नहीं। वैसे मैं सोच रहा था कि इसे सिम्बा को कल सुबह सुबह ले जाऊंगा, लेकिन कल सुबह सुबह फिर यार बहन वाले भी आ जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसे। छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा ना आना होता है। क्या इतना बड़ा क्या कर लिया मैंने? कुछ नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है इसके पैर में, लेकिन वो बात हल्का सा हुआ है, तो भाई उसको उसी टाइम ठीक हो जाएगा ना, तो ठीक हो जाएगा ये, फिर वैसे ही बड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ खाना खा रही है, तो सिम्बा, सिम्बा यहाँ है। हाथ से, बल्कि हाथ से जो चावल खाने में मजा आता है ना, हाथ से चावल खा रही थी और जैसे कैमरा हुआ स्पून उठा ली, इतना मजा हाथ से खाना खाने में आता ना। हाथ सिम्बा देखो कह रहा है, हाथ से खाना खाने में बहुत मजा आते हैं हमें। सिम्बा तो देखो, देखो तो बात देसी स्टाइल, तो मैं गलत कह रहा हूँ इस बात को, मतलब हाथ से खाना खाने में जो मजा आता है ना चावल, वो मेरे को पता है, मैं भी हाथ से खाता हूँ। 4 बज चुके हैं और यहाँ पे चल रही है सिम्बा को ले जाने की तैयारी। सिम्बा की हो रही पट्टी, ताकि ये चाटे छुट्टी ना करे। मैं जा रहा हूँ नीचे, मेरा पार्सल भी आया है। और भूरी रो रही है, भूरी कह रही है मेरे लिए यार मुझे बंद कर दिया तुमने, चल नीचे छोड़, अभी नहीं जा रही, कल जाएगी। अभी मेरे डिलीवरी के लिए भी फोन आया था, मतलब पार्सल आया, वो भी पिक करना है मुझे। ये सही टाइम पे आगे हम निकल जाते तो फिर दिक्कत होती, सारी बच्चा पार्टी मेरे पास आ जाएगी कि ये कहाँ जा रहा है। यहाँ पे मेरा पार्सल आ चुका है भाई, देखो एक छोटा सा पार्सल में कितना बड़ा ट्रक आया है। ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं दहेज का सामान आया है। वो देखो गोद, हमारी देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या, मैं ऐसे गोद में लेके घूमना पड़ता बच्चों को। आ रहा हूँ मैं, चल। ये गर्मी आ गई है, लेकिन मैंने जैकेट पहनी हुई, क्योंकि मैंने जैकेट अभी मंगाई है, मेरा बहुत मन था, और मैं अभी नहीं पहन पाऊंगा तो मुझे अगले साल पहननी पड़ेगी, इसलिए मैं मन भर रहा हूँ उस जैकेट से। लेकिन मैं सोचा मैंने क्यों पहन ली। सिब्बू भी आ गया, ओ भाई आराम से सिम्बा, आराम से यार, जो ऐसी हरकतें करता तो इनका पैर ही फूलेगा। खोल देती इसे, खोल देना यार, आने खोल मत, फिर वहां पे बांधना पड़ता है। सिम्बा का मामा टाइम पीछे, बिल्कुल पीछे कर, ये सारा गीला करेगा, कह रहा था। भूरी वहां से देख लिया, जा रहे हैं हम, बाय। भूरी पता क्या देख रही है, क्योंकि मेरे बच्चे तो नहीं लेके जा रहे, बड़ी तेज है, हम बस निकल गए हैं, क्योंकि यार देखो मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि जल्दी फिर आ जाऊँ तो रात के टाइम फिर थोड़ा सा भीड़ भाड़ मिलती है,
इसलिए मैंने कहा अपनी टाइम से निकलता है, 5 बजे क्लिनिक खुल जाएगा। 4:22 यहाँ होगा, मैंने 4 बजे का बोला था। ये मैडम जी इनको तैयार होने में इतना टाइम लगता है ना। रोड पर हमेशा ही जाम मिलता है। तो यहाँ पे जाम पता है किस बात का लगता है कि लोग इधर के इधर से आ जाएंगे और इधर के वो इधर से चले जाएंगे, बस इसी बात का जाम है। यहाँ पे कोई जाम नहीं है। और भाई यहाँ पे जो जाम लगता है ना, अभी शादी में जाना था मैं, कितने घंटे बचे था? 4-5 घंटे। चल तू तो कुछ ज्यादा बोल देती, 4-5 घंटे। इसको देख, इसके हर चीज ओवर होती है, हर 4-5 घंटे। 2 घंटे 2-2.5 घंटे फंसे थे। पता नहीं क्या आया, तो ले तू ही बना फिर। भैया ने मुझे पकड़ा दे यार, हाथ से पता नहीं कैसे बोलूं मैं। हिसाब से कैमरा पकड़ी थी, ब्लॉग बनना है ना, एंगल अलग अलग होते हैं ना, नहीं बनाती क्योंकि भैया मुझे डांट देते हैं। इसका एंगल ही अलग बनाते बनाते डांट है इसका एंगल। हाँ ये बच्चों की है, बनाते बनाते वीडियो चिपक गई इस फोन में। ये ना पता नहीं क्या आईफोन का, सच्ची में ना मुझे बुराई करनी पसंद नहीं है लेकिन करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। ज्यादा तारीफ करो। 13 प्रो मैक्स लिया था ना, उसमें भी ये मतलब उसमें तो चलो बहुत ज्यादा थी, इसमें फिर भी कम है। ये भी कभी कभार चिपक जाता है, हैंग मार जाता है, और उसमें भी ये दिक्कत थी। फिर उन्होंने अपडेट निकाले एप्पल वालों ने, तब जाके ठीक हुआ। ज्यादा तारीफ करने ना किसी की वो नहीं होती है। और मेरे को ना एंड्रॉइड फोन सच्ची बताऊं, लोग बोलेंगे ज्यादा स्टाइल मार रहा है, मुझे भाई समझ में नहीं आता एंड्रॉइड फोन सच्ची में। पता नहीं वो बनी है कि नहीं बनी। कम 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 डॉक्टर के आ गए हैं, थोड़ा देखते हैं, जगह है नहीं है अभी, अभी तो खाली होना चाहिए। है भी खाली अभी। शर्मा वेट 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 वेट, अब देखिए बैठेगा नहीं एक जगह, अभी नहीं इधर उधर घूमना है, बैठ जाओ। डॉक्टर के दिखा दिया है, एंड इनकी उई उई हो गई थी आज, क्योंकि आज इंजेक्शन जो है थोड़ी देर तक और जगह देख देख के लगा था, एंड हमारी भी हालत खराब हो गई। अब बस निकल रहे हैं घर की तरफ। बर्गर खाएगी? नहीं, मैं नहीं लग चुकी है मैकडोनल्ड्स पे कि इसका मन था, मेरा मन नहीं था वैसे खाने का। तूने बोला है, मैं सच्ची मैं तो वापस मोड़ लूंगा, अभी देख पीछे कोई है भी नहीं। देख छोटे थे ना तो हम इतना मैकडोनल्ड्स आते थे, हर हफ्ते आते थे हम भैया के साथ, तो जब मिलता था हैप्पी मील, अब तो हैप्पी मील में कुछ भी नहीं मिलता। उस टाइम पे भाई साहब इतने बढ़िया बढ़िया टॉयज होते थे, अब तो पता नहीं क्या किताबें दे देंगे, कलर बुक दे देंगे वो करने के लिए, पहले बहुत बढ़िया होता था। एंड मैं हमेशा मेरा यही होता था, मेरा मोटिव पता है, मम्मी पापा के एनिवर्सरी होती थी ना तब भी मैं बोलता था, मैंने कहा मैं खाना नहीं खाता जानबूझ के कि मुझे हैप्पी मील मिलेगा। अब मैं सोचता हूं अच्छा बुद्धि कितनी वो होती है ना, कि यहाँ खाने नहीं खाऊंगा तो ही वहाँ का मेरे को मिलेगा। मेरे को भूख लगती थी लेकिन मैं खाता नहीं था वहाँ पे, रॉयल पे खाते थे। यहाँ पे हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट, हम एक ही जगह पे जाते हैं हमेशा, काफी टाइम से वहाँ भी नहीं गए, मतलब वहाँ खाना छोड़ के मैं ये मैकडोनल्ड्स के बर्गर सिर्फ एक टॉय के लिए, लालच देख रहे हो मेरा, टॉय के लिए मैं वहाँ पे खाना खाता तो भूखा बैठ रहा था एक घंटे। फिर उसके बाद जाके पापा बोलते थे यार क्या है यार ये इसका ये। फिर उसके बाद जाके मैं, और अगर मेरे को नहीं मिला भाई कलेश है। फिर बर्गर्स आ गए हैं, आपको नहीं है बाबू, जरा से खिला दी उसे टेस्ट करा। पीना हो गया, आप निकल रहे हैं सीधा घर। लच्छा देख, अगर तुमको मूवी देखने तेरे पास चांस है, येरा मॉल इसी में है सिनेमा हॉल, तू जाके दे सकती है। उसके बाद मुझे मत बोल दे कि भैया ने मूवी नहीं दिखाई, देखो सामने है, चली जा ओला करके आ जाइयो। तू जाना है, तू जाना है? नहीं घर जाऊंगी मैं अपने। हाँ देखा, अब इसे मूवी देखने तो बोल मत दियो व्लॉग में कि भैया ने मूवी नहीं दिखाई। चलो भाई घर चलते हैं। मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह ले लूँ, लोग आ गए हैं, गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ से ले रहा हूँ पपीता क्योंकि पापा भी खाते हैं। भैया सही सही लगाना, देखो मुझे पता नहीं कितना क्या रेट होता है, मम्मी डांटेंगी मुझे फिर घर पे इतना महंगा क्यों लाया है। ले लिए सिम्बा, देख रहा भैया क्या ले रहा है, साहब क्या ले रहा है भैया, फूड वगैरह ले लिए। आप चलते हैं सीधा घर, देखो रात से आते आते हमें रात हो गई, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया। मैम आप बोर तो नहीं हुए? आप बोर हो जाते ना बहुत जल्दी, ध्यान रखना पड़ता है मुझे बहुत ज्यादा। ये है हमारे घर का जो मेन गेट है जहाँ से एंटर करते हैं, वहाँ पे भी ना एक डॉगी है तो उसको भी हम खाना देते हैं। सिम्बा उसे भी देख रहा है, हमारा वेट करती है रोज। अभी हम निकल के जा रहे थे ना तो देखो जरा मुंह ऊपर करे, देखो जरा बच्चा पार्टी, बच्चे पार्टी। हाँ वो अब पहचाना कि भैया आ गया, भैया आ गया, भैया आ गया। हम कह रहे हमारी गैंग का है, तो देखा था गैंग तो हमारा गेट भी वेट कर रही है, गैंग वेट कर रही है, हमारा गैंग है ही हमारी छोटी सी। तो जी अब चलते हैं ऊपर, काफी सारा सामान है। एंड इसकी ना अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसकी। इसकी ये कुछ अगला तो नहीं है, ये सिम्बा की दवाई है, तुम कुछ और समझ रहे हो। अब ये भी हमारा वेट करते हैं, है भाई तुम भी करते हो वेट, पहले एक थी दो थी अब इतनी सारी हो गई, चिल्लड़ी चिल्लड़ हो गई। सारा सामान ले आएगी, मैं सिम्बा को लेके जा रहा हूँ। बेटी क्या है? उसे देख, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं होती, भैया भी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, तुम्हारे लिए पैदा नहीं हूँ मैं, तुम मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। तो ये स्वागत है आज के नए व्लॉग में। सो जी नेक्स्ट डे है, अभी भी हम बूरी के जाने का वेट कर रहे हैं, जैसे कल कर रहे थे, अभी बस वो आने वाले, मैं फोन कर चुका हूँ 2-3। और यहाँ पे मैडम जी हमारी रेडी हो गई है, पता नहीं क्यों क्यों रेडी हुई नहीं, आप मेकअप वेकअप कर रहे थे, उसकी बदतमीजी बहुत ज्यादा ही हो रही है। सिम्बा ड्रॉप, सिम्बा ड्रॉप, सिम्बा ड्रॉप, हाँ नहीं मान रहा
थोड़ा सा ना डांट के रखना पड़ता है, सिर्फ प्यार प्यार से नहीं, प्यार प्यार से तो बहुत ही बिगड़ जाएगा, जो कि बिगड़ चुका है। तो बस अभी वेट चल रहा है, वो जल्दी आया। भूरी को मैंने अभी अंदर कर ही लिया, जाल में फंसा लिया अपने। ये मेरी पूछ है, ये मेरे पीछे पीछे घूमते रहेंगे, मैं जहाँ जहाँ जाता रहूंगा ये वहीं वहीं मेरे साथ आता रहेगा। देखो चल, ये अब देखो अंदर जाऊंगा अंदर आएगा, देखो ये देखो, अभी देखो बाहर जाऊंगा तो बाहर आ जाएगा, ये देखो। मतलब मेरे पीछे पीछे घूमना, मैं कहीं ना जाऊं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस भैया ना जाए उसका। मैम आपने बोला था कि आप व्लॉग बनाओगे, यहाँ बैठ के आप अंगूर खा रहे हो अकेले अकेले छुप छुप के। क्रीम क्रीम वाले आज तक सारी क्रीम आ गए, बॉडी लोशन वाली। सोच रही बहन वाले भी ऐसे बात हुई है, वो कह रहे हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, 10 मिनट में आने वाले हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भूरी को हम, मैं नहीं जाता उसे, वो पकड़ के लेके जाए वैसे। तो मैं सोच रहा हूँ भूरी के मुंह पे ना मास्क बांध के मैं उसे गोद में उठा के रख दूं, क्योंकि वो पकड़ते ना तो बड़ा गंदा। तो देखना पड़ेगा देखो कितना यार 10 सेकंड, लेकिन उसके लिए अच्छा होगा, मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा। भूरी को लेने आ गए हैं भैया, वैन आ गई नहीं, भूरी को बेचारी को पता नहीं अजीब सा लग रहा, पता नहीं क्यों भूरी जाने वाली। भूरी अभी अंदर है, बाबू बाबू रुको 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 रुको, भूरी बाबू मैंने इससे कर लिया है, अब ये समझ गई है। जा 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 चुन चुद्दू जा, बस 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 आ जाओगे आप, 4-5 दिन की बात है बस। यहाँ पर सारी देख रही है भूरी उसमें है, लेकिन भूरी थोड़ी सा ना डर गई है, और मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसे उठाना, लेकिन उसे उठाना उसी तरीके से था, वरना वो इतनी आसानी से जाती नहीं उसमें। अरे बड़ा अजीब लग रहा है, देख नहीं उसके उसके अच्छे के लिए, डरने वाली बात नहीं है। आ जाओगे आप, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स है ना आपके घर, ये भी स्टेरिलाइजेशन के जा रहे हैं। हाँ। तो ये भी तुम्हारे फ्रेंड्स बन गए, तो कितने अच्छे अच्छे, ठीक है जल्दी आ जाओगे आप, भैया ध्यान रखेंगे आपका। ये भूरी का जाने का टाइम हो गया है, और बेचारी को देख रही है वहां से। हाँ हाँ कहा जल्दी आ जाओगे, लेकिन ये समझदार है, ये फिर भी समझ जाएगी, चुन चुन समझदार नहीं रहा, इससे डरता है। इसमें रोने वाली बात कोई नहीं है, चली गई वो उसके अच्छे के लिए हुआ है, सारी है। आ जाएगी उसके अच्छे के लिए जाएगी, आप रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा यार, क्या हो गया, कोई नहीं ना। अच्छे के लिए जा रही है, माँ को ढूंढने वहां तक चले। यार देखो यार डर तो देखो सब डॉग्स, मतलब मान लो उसमें 2 डॉग्स होते, वो भी स्टेरिलाइजेशन के लिए जा रहे हैं, एंड वो भी किसी ने मतलब बुलाए थे, और लग रहे थे बच्चे से भूरी रहती ना हमारी, वैसे उसको कपड़े वपड़े साफ सुथरे थे बिल्कुल, मतलब उनके अच्छे के लिए है कि ताकि और बेबीज ना हो, क्योंकि इनको ही दिक्कत होती है, कोई नहीं 4-5 दिन में आ जाएगी। अब छुन छुन ध्यान रहेगा, लेकिन छुन छुन के टाइम पे तो बहुत बदतमीजी हुई थी, छुन छुन इतनी आसानी से नहीं यार, तो भूरी बहुत आसानी चली गई, और मैं ये सोच रहा था कि ये कैसे जाएगी, क्योंकि उसमें है वो समझ गई थी, जैसे ही मैंने उसके गले में पट्टा डाल दिया वो समझ गई थी कि ये मेरे को कुछ तो करेंगे, बढ़िया है कि वो आ जाएगी जल्दी, बाकी मैंने अच्छे से वहाँ पे बात कर रखी है, तो वहाँ पे उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। हाँ वो देखो सारे, हाँ मुझे माँ को ढूंढ रही है, क्या हुआ बेटी, क्या हो गया है, कुछ हुआ है, क्या हो गया क्या हो गया, मम्मी चली गई आपकी, आ जाएगी, कहीं नहीं गई मम्मी, अभी आ जाएगी थोड़े दिन में। हाँ हाँ तो ये भोग रहे थे वैन वाले को देख के समझ गए थे, इन्हें सेंस हो जाता, डॉग्स को सेंस हो जाता कि ये, और छुन छुन तो पहचान गया था, उन्होंने उनको अंदर ही नहीं आने दे रहा था, छुन छुन ने पहचान लिया था उन्हें।